गुरुदेव पहला कॉलर हम ले, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज किसी न किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है और कामकाज स्थिर रहेगा। मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। घर के बुजुर्गों का तो सुख प्राप्त होगा, नई मित्रता भी कायम हो सकती है, परंतु कामकाज को लेकर के मन के अंदर खिन्नता देखने को मिलेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और खर्चे पर नियंत्रण रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार और मित्रों के साथ में यात्राएं संभव हो सकती हैं। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी और भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आप अपना कामकाज मन लगा करके करना तो चाहेंगे, परंतु क्रोध के ज्यादा बढ़ जाने से किसी न किसी के साथ में परेशानी का कारण भी बन सकता है, मतभेद उभर सकते हैं और किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सुबह से तो समय अच्छा है जिसमें कामकाज के अंदर लाभ दिखाई देगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बनी रहेगी, परंतु आज मित्रों के साथ अनबन हो सकती है और बेमतलब के विवाद पल्ले पड़ सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी सुबह का वक्त तो अच्छा है, प्रसन्नता रहेगी मन में घर में और यात्राओं पे जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, परंतु भाई बंधु या मित्रों के साथ अनबन हो सकती है, अचानक किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना है और मिथ्या आरोप भी लग सकता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन हर तरह से उत्तम है, परंतु धन की चिंता बनी रह सकती है। वैसे आज के दिन आपको परिवार का अच्छा सुख मिलेगा, कामकाज भी ठीक ठाक चलेगा, मन में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, परंतु धन की चिंता और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद के लिए दिन उत्तम है। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए अच्छा समय है आज। मित्रों की मदद मिलेगी, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अनजाने व्यक्तियों के साथ बहस से बचें और क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो आज का दिन उत्तम होगा। आपका कामकाज उत्तम बना रहेगा, परिवार का सुख और सहयोग भी मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले आज अगर अपनी संगति को खराब नहीं होने देंगे और उस पर धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दिन उत्तम होगा। फिर आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा तालमेल बैठा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। धैर्य बना के रखें, परमात्मा को याद करें, अगर हो सके तो किसी प्रकार का अन्न का दान करें आज, क्योंकि आज किसी से बेमतलब की बहस हो सकती है, मन में खिन्नता बनी रहेगी, क्रोध बढ़ा रहेगा और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है और चिड़चिड़ापन किसी काम में मन नहीं लगने देगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी कोई खास अच्छा दिन नहीं है। अगर तो आज आप अपने पूरा दिन कार्य में मन लगा के रखते हैं तो ही दिन उत्तम गुजर सकता है, वरना मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जिसके कारण किसी न किसी के साथ मन मुटाव वाली स्थितियां देखने को मिलेंगी, व्यवहार में गुस्सा बढ़ता दिखाई देगा। इसलिए पूरा दिन अगर काम में लगा के रखें अपने मन को तो ज्यादा उत्तम होगा।